मध्य प्रदेश में प्रेमी जोड़ों को शादी रचाने के लिए भागना पड़ रहा है। मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां चिरौला नाथ मंदिर में आज एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा और प्रेमी जोड़े के द्वारा विवाह रचाया गया। वहीं प्रेमी पंकज सिंह गौतम के द्वारा बताया गया कि वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की एक युवती से प्रेम करता है। इन दोनों के प्रेम को घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिस कारण से प्रेमी और प्रेमिका घर से भागकर रीवा के चिरौला नाथ मंदिर में शादी रचा ली है। प्रेमी युवक ने कहा कि वह शहडोल निवासी सपना कोरी से बिना किसी दबाव के शादी कर रहा है। वहीं प्रेमिका सपना कोरी के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि वह भी बिना किसी दबाव के विवाह कर रही है। प्रेमी जोड़े के द्वारा बताया गया कि 5 माह पहले ही उन दोनों की मुलाकात हुई थी और इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों का प्यार इस कदर से परवान चढ़ गया कि वह हनुमान मंदिर रीवा में विवाह रचाने के लिए आ पहुंचे। वहीं रीवा के चिरौला नाथ मंदिर में दोनों ने विवाह रचाया हुआ गृहस्थ जीवन की कस्में खाई। हमारा नाम है सपना कोरी, हम अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं। और कौन सा मंदिर है ये? चिरौला मंदिर है। कोई दबाव भी तो शादी नहीं कर रही आप लोग? नहीं, हम अपने मर्जी से हैं, खुशी मन से हैं। जिनसे शादी कर रही हैं कौन है वो, क्या नाम है जिनका? है प्रिंस गौतम। कब से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम करीब 5 महीने से। 5-6 महीने। क्या नाम है? मेरा नाम है पंकज सिंह गौतम। जी, आज हम इस मंदिर में आके शादी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से दोनों लोग सहमत हैं। और ये है मेरी वाइफ सपना। कौन सा मंदिर है ये? कहाँ पर है ये? रीवा जिले में है। कौन सा मंदिर है? तिरहुआ मंदिर है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बांदा जिले के। आज आप अपनी मर्जी से? जी।